अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह हमने इनको पालक दिया और पालक अभी खा क्यों नहीं रहे, पहले तो एकदम से पालक को टूट पड़ते थे। ये खा रहे हैं, देखें माशाल्लाह ये दोनों खा रहे हैं और नीचे वाले भी, ये देखें खाना शुरू कर दिया। बस जो ही मुझे देखते हैं ना तो फिर परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक दो आएंगे खाने के लिए तो सारे भाग के आएंगे। ये भी अभी नहीं खा रहे और इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया इस तरह। बाकी मैं बाहर जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। चलो भाई बजीज आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह हमारे बजीज कितने मज़े से खा रहे हैं। अभी तक लव बर्ड नीचे नहीं आए, फिंचेस तो आ गई होंगी, देखें फिंचेस खा रही हैं और कॉकटेल भी नीचे आकर खाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो माशाल्लाह हमारे परिंदे पालक बहुत शौक से खाते हैं, और पालक जब हो घर की तो फिर तो क्या ही बात है। जैन ने इन सब परिंदों को भी थोड़ी थोड़ी पालक दे दी है, देखें ये भी खा रहे हैं, हमारी लोरी भी खा रही है, थनकनियोर ने शोर मचाया हुआ है। खरगोशों के लिए सारी काट के ले जाएगा, फिर घर वाले कहेंगे कि भाई घर के खाने के लिए रखी है और सारी जानवरों परिंदों को खिला देते हो। नहीं लेनी यहाँ से, ये तो आज घर वाले बनाएंगे। सिर्फ देख रहा हूँ ना, देखने की पाबंदी नहीं है, देख सकते हो, देख सकते हो, बाकी ऐसे लेके हाँ घर वाले से पूछ लो, अगर वो कहते हैं ना कि हमने नहीं बनानी तो फिर सारी उतार के ले जाओ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये तुम भी खा सकती हो और तुम्हारे खरगोश भी खा सकते हैं, एक मुझे भी दो ना, एक मुझे दे दो, एक मुझे और एक जैन को, हम दोनों भी खा लेते हैं। जो बड़े बड़े हैं वो निकाल लो ना, ये हम खा लेंगे, ये खरगोशों को भी खिला सकते हैं, और इनके जो पत्ते हैं वो तो ऑलरेडी खरगोशों ने खा लिए। जंगली चिड़िया की ब्रीडिंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो अब जितने भी बॉक्स हैं ना सबके अंदर ही जंगली चिड़िया आ गई हैं। अब सारा दिन नीचे टिंके फेंकती रहती हैं और फिर हमें पूल की सफाई करना पड़ती है। एक चिड़िया ये सामने देखें, ये ऊपर वो उड़ के चली गई है, और इधर जो है ना और यहाँ पर वो सारे टिंके ये नीचे गिरते हैं और इस तरफ गिरते हैं, और एक ही चिड़िया अभी इसके अंदर भी थी, देखें नेस्टिंग हो चुकी है माशाल्लाह से। और बाकी जितने बॉक्स हैं कुछ के अंदर नेस्टिंग शुरू हो चुकी है और बाकी भी इंशाल्लाह जल्द नेस्टिंग हो जाएगी। चलो तुम उनको दो पत्ते और मैं ये शलजम भी देने लगा हूँ। नहीं धो के नहीं, जमीनों से, ये नेचुरल कैसे खाते हैं, मट्टी के साथ खाते हैं, इन्हें प्रोटीन वगैरह कैल्शियम सब कुछ मिलता है। आ जाओ भाई भाई, देखो कैसे आए हैं, अभी ये खा लेंगे। वो इन्होंने पत्ते खाना शुरू कर दिए हैं, वैसे शलजम भी खाएंगे। चलो भाई अच्छे से खा लो सारे, और शलजम भी खाना साथ मट्टी भी खा लेना। ये देखो माशाल्लाह सारे गट्ठे आकर खाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। हमारे मिस्त्री भाई भी आ चुके हैं, वाटरफॉल को फिर से ठीक कर रहे हैं। हाँ भाई कुछ समझ आई है या मुझे अब फिर बताना पड़ेगा? नहीं पहले तो वो थोड़ा हमने वो कम हम ज्यादा कर रहे हैं तो ये बेहतर होगा। ये चीज हाँ ऐसे, अब ये देखें दोस्तों ये पत्थर यहाँ तक लगेगा, इधर से भी यहाँ तक लगेगा, बीच में थोड़ी सी जगह होगी ना तो पानी प्रेशर के साथ नीचे गिरेगा, प्यारा लगेगा। इसी तरीके से ये भी उतार दिए गए हैं, ये अब यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अब यहाँ पर इतनी सी जगह बच जाएगी, हाँ ऐसे लगेगा, ठीक है इतनी सी जगह बचने वाली है, और फिर यहाँ पर भी इतनी सी, तो इस हिसाब से पानी बहुत स्पीड से नीचे को गिरेगा तो हमारा वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। चौथे अंडे का इंतज़ार है, मुझे ही नहीं सबको इंतज़ार है, तुमने ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, और फीमेल ने अभी तक चौथा अंडा नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक ये चौथा अंडा अपना दे देगी। अगर नहीं भी देती तो कोई बात नहीं, एक दो दिन के फर्क से ये देते रहते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, भाई गुस्सा ना किया करो ताकि फीमेल जल्दी जल्दी अंडे दे। इस तरफ हमारे वेल्डर भाई भी आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ दो तीन नए काम होने वाले हैं जो कि आपको आज ही हो जाएंगे तो पता चल जाएंगे, आज हो जाएगा ना ये काम हमारा, वेल्डर भाई कह रहे हैं आज हो जाएगा। प्यारा लग रहा है आपको, चाहिए इसे भी साथ वेल्डिंग का काम सिखा दो यार, ले जाओ ताकि ये हमारे काम आ जाए, थोड़ा सा हमारा काम भी करे। हाँ ये सीख लेगा, बड़ा अच्छा बच्चा है, ये सारी बातें मानता है, और वो वाला भी है वो थोड़ा सा सीनियर उस्ताद है, हाँ लेकिन ये सीख जाएगा बहुत अच्छे से। ये तो नहीं चलेगी, नहीं यार ये तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये जैसे कोई पटाखा या जैसे नहीं कोई गोली चली है, जैसे कुछ लगा यार, मोबाइल तो नहीं, देखो फट गया, मोबाइल तो मेरा तो ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ लगा है, तो देखना यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसे तो नहीं मार दिया, लेकिन आवाज कहाँ से ही है? ओ यार लाइटर ये फट गया, ये देखो ये धूप की वजह से तो नहीं फटा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, और मुझे ऐसे लगा यहाँ पे किसी ने कुछ मारा है। भाई ये जेब में मत डाला करो, ये गलत चीज है, आगे नहीं लग गई। हाँ इसको फेंक दे, अभी इसका काम ही नहीं, इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों मैं वहाँ सामने बैठा हुआ था, एकदम से मुझे जैसे गोली चली ना ऐसे, मतलब हल्की सी आवाज़ आई है, मुझे लगा कि शायद इसने ना ये जल गई है, इसकी आवाज़ आई है, लेकिन अभी देखा है तो भाई साहब की जेब में लाइटर जो था ना वो फट गया, और अगर आग लग जाती ना
तो फिर जल्दी जल्दी हम मोटर चला लेते फिर आपके ऊपर पानी ऐसे फेंकते तो फिर भाई को हम बचा लेते। एक रानी उधर घूम रही है, दूसरी रानी यहाँ पर है, तीसरी रानी इधर है, और हमारा राजा चौथी रानी को इम्प्रेस करने के लिए रोज के घर के अंदर नाच रहा है। अभी इसको ना रोज की एक लात पड़गी ना तो इसने ठीक हो जाने, मुझे तो लगता है ये रोज को इम्प्रेस कर रहा है। और राजा इधर 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 मुंह तो इधर करो यार, ये बस मुंह साइड पे कर लेता है। जूं ही मैं इसके पास आता हूँ, अभी मैं इस साइड से जाऊँगा तो मुंह उस साइड पे कर लेगा। इधर इधर इस साइड पे यार, ये बहुत ज़्यादा ढीठ हो गया। हाँ इधर शाबाश, ये देखें आप कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके बिल्कुल अच्छे से पूरे वाले पर आ चुके हैं और रोज भी देख रही है। अभी रोज खुली होती ना तो रोज ने सीधा इसके पास आ जाना था और इसने भाग के यहाँ से इधर निकल जाना था। इस मैग्नेट के लगाने का हमें एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि अब जहाँ पर भी दाग आते हैं ना वहाँ पर हम ऐसे इसको घुमाते हैं तो वो सारे दाग उतर जाते हैं। अब यहाँ पर शीशा तो इतना गंदा नहीं होने वाला, लेकिन ये छोटा वाला मैग्नेट अली ले आया, हमें ठीक से अंदाज़ा नहीं था। तो ये कभी कभी ना ऐसे हम ऐसे ज़ोर से करते हैं, ये देखें उतर जाता है। फिर जो ही हम इसके साथ लाते हैं इसको तो ये ऐसे करके हमें इसे चिपकाना पड़ता है। अभी करीब आ जाओ भाई साहब, ये देखें फिर आ गया। और इससे ना हम अपनी मछलियों को अभी तंग भी कर सकते हैं। ये देखें मैं इनके करीब लेके जाता हूँ, ये भागना शुरू कर देती हैं। तो हर कोई बात नहीं, ये हम भाई को वापस करके बड़ा वाला ले आएंगे ताकि यार इजीली हम अपने एक्वेरियम की सफाई कर सकें। तो ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से, मैंने आपको बताया था वेल्डर भाई यहाँ पर कुछ काम करने वाले हैं। तो वेल्डर भाई यहाँ पर 1, 2, 3 पाइप लगा कर जा चुके हैं। अब इनका क्या करना है बाद में बताऊंगा, ये जिसको पता है कमेंट में बता दे कि इन तीनों पाइपों का क्या मकसद है और मैंने क्यों लगवाया। और साथ में ये 3 गमले भी हैं, 1, 2, 3 ये रिंग वो लगा कर चले गए थे। अब यहाँ पर गमले आएंगे और इन गमलों के अंदर पौधे आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पौधे प्यारे लगेंगे। और इसकी हरकतें देखें, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा उस तरफ जाने के लिए जो हमने ये गत्ता लगाया है। तो अब इसको ये खा रहा है भाई, चारा खाते हैं ये गत्ते खा रहा है। इस तरफ मिस्त्री भाई भी अपना काम कर चुके हैं, ये सारा यहाँ पर इन्होंने सेट कर दिया है। अब ये वाली चीज़ इन्होंने माशाल्लाह ये भी सेट हो चुकी है, और एक ये सामने वाला पाइप दोबारा से ये मसाला उतार कर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मुझे अली और जैन नज़र नहीं आ रहे, किधर हैं वो? अभी यहाँ पे थे, बोल रहे थे हम वो खरगोशों के लिए चारा लेने जा रहे हैं। अच्छा, चारा लेने के लिए गए हुए हैं। यार ये जो मेल है कि क्या फीमेल है, ये तो दरवाजा तोड़ तोड़ के, ये पहले भी उसने जो काफी इधर जो है ना जोर से मारा था, वो जैन लड़का जो है उसने इसको जो है ना अभी सेट किया है, तो ये तो बार बार इधर आ रहे हैं। मैंने तो अपने पास ये डंडी भी रखी हुई है उनको मारने के लिए। ये मेल है, ब्लैक वाला ना? जी जी भाई, वो मेल है। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हें? तुम क्यों इतनी हरकतें ऐसी आजकल कर रहे हो? तुम्हारे मुझे ना गिले मिल रहे हैं, अपनी जरा हरकतें ठीक कर लो। दरवाज़ा कहाँ से टेढ़ा किया है? ये पर देखें लगा हुआ यहाँ पर दरवाज़ा, मेरे हाल में उन्होंने फिर सीधा कर दिया होगा। ये तो काफ़ी दफ़ा खैर हमारा ऑस्ट्रिच दरवाज़ा टेढ़ा कर चुका है। तो खैर वो गए हैं खरगोशों के लिए चारा लेने के लिए, तो मैं भी वहाँ पर जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर जाकर यार फसलों में बहुत सुकून मिलता है। इस तरफ अली चारा उठा रहा है और जैन वो सामने खड़ा हुआ है। यार ये आज काम अच्छा किया है तुमने, अच्छा काम किया ना आपने। शुक्र है, मैं यार तक ये ले लिया। आ जाओ चलते हैं जैन, आ जाओ। क्यों? वो देखें वो क्या है, किधर है? सिम्बा के सामने क्या है? ये तो फ्लेमिंगो का सर है छोटा सा। ये कहाँ से लिया है? देखो कोई नकली है यार, अपना फ्लेमिंगो है, घर से लेकर आए हैं। तो घर से फ्लेमिंगो उठा लाए हो? हाँ जी। क्यों यार? मैंने कहा इधर घूमेगा तो ये अगर उड़ गया यहाँ से तो पर कटे हुए ना, कैसे उड़ेगा? उड़ता नहीं है। नहीं तो ये तो यहाँ से हिल भी नहीं रहा, वो नीचे ऐसे खड़ा हुआ है ना। और बंदा अकेले में ऐसे से देखे तो ये तो डर जाए। ये दोस्तों इसको यहाँ पर ले आए हैं, मुझे पता ही नहीं है, मैं समझ रहा हूँ सिर्फ चारा लेने आए हैं, और साथ में जनाब इसको भी ले आए हैं। अब इसको पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा कौन इसको? पकड़ लेंगे। तो ये इसने कुछ खाया भी है यहाँ पर? ये ऐसे ही बस उस ऐसे खड़ा है, बस खड़ा है, तो फिर ऐसे ही ले आए उसको? ताजी हवा खा रहा है। इधर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ क्यों उठा के लाए हो। कौन लाया? इसका तो कोई अच्छा काम यार, नहीं यार, ताजी हवा। पहले भी एक मार दिया, अब दूसरा इसके लिए मुझे एक और चाहिए, और वो बेचारा देखो डरा हुआ। दोस्तों अब हम इसे पकड़ते हैं और जल्दी से लेके जाते हैं, यार बेचारा यहाँ पर परेशान हो रहा है। और तुम ना उस साइड से जो, मैं इस साइड से जाता हूँ। यहाँ से तो ये भाग भी नहीं सकता यार, 2 मिनट उधर नीचे छोड़ दें। किधर? इधर यार, इतनी बड़ी इसमें तो फसल में भाग नहीं सकता, लेकिन उधर भाग ना जाए ना। नहीं भागता यार, पकड़ लेंगे। अब अली कह रहा है तो इसको फिर हम उधर छोड़ते हैं जाकर, अगर भागा तो तुम ही पकड़ोगे, मैंने तो नहीं इसके पीछे भागा। इधर छोड़ दें। लो जी भाग गया, भाग गया हमारा फ्लेमिंगो। 2 मिनट घूमने देना उसे यार। गिर गया, गिर गया, उसे उठाए ना, उठो उठो।
देखो कहाँ जा रहे हैं, घूमने दे इसे, ये यहीं पर घूमते हैं ना, फिर इसे हम ले जाएंगे। आज बाहर आए तो थोड़ा सा खुश तो हो जाए। दोस्तों ये यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है, परों को फैला रहे हैं और ऐसे जमीन के अंदर ना मुंह भी लेकर जा रहे हैं। ये खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घूम फिर रहा है, चेक कर रहा है, खुश हो गया इधर आके। वो आगे की तरफ जा रहा है और ऐसे तिनकों के ऊपर ना मुंह भी मार रहे है, ये कुछ खाना चाह रहे है। पकड़े ना, एक बात सुनो, ऐसा नहीं, आगे खाई है, उसके नीचे गिर गया तो जैन तुम इस साइड से जाओ, तुम इस साइड से। हाँ मैं ऐसे सेंटर से जाता हूँ, वहाँ किससे आगे निकल जाओ, इसे वापस लेके उधर जा रहा है यार। उधर ना नीचे की तरफ खाई है काफी ज्यादा, अगर गिर गया ना तो जैसे पहले वाला बेचारा गिर के मरा था ना वैसे ये भी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बहुत हो गया, अब तुमने घर जाना है, बाहर आके आजाद ही हो गया। पकड़ा गया वो मेरा प्यारा फ्लेमिंगो, मुझे काटता तो नहीं है यार, ये फीमेल है मुझे ऐसे लगता है। हाँ मेल जो था, मेल लाना है इसका। नहीं नहीं ये फीमेल है, काटने वाली फीमेल होती है, फीमेल ज्यादा खतरनाक होती है। ये काट रही है तो हम इसके लिए एक मेल लेंगे, या फिर देख लेंगे इसके जेंडर पता करा लेंगे ना, फिर अगर ये मेल है तो हम फीमेल लाएंगे, अगर फीमेल है तो हम फिर मेल लाएंगे। हमारे वापस आने तक मिस्त्री भाई अपना काम करके जा चुके हैं, अभी हमने इसको छोड़ना नहीं है, ये थोड़ा सा जख्मी है, इसको इसने मारा है ना तो यहाँ से ना जख्मी हुआ पड़ा है, इसको अभी हमने दवाई लगानी है, उसके बाद ही छोड़ेंगे। पांचों के पांचों आ चुके हैं, अब ये रैबिट इतना ढीठ हो गया, पहले वहां जाता है, वहां से छलांग लगा के वापस भी आ जाता है। इस अनार के दरख्त को यहाँ से अभी हम निकाल कर यहाँ पर लगाने वाले हैं, जहाँ पर हमारा पहले आड़ू का पौधा लगा हुआ था। अब वहां से अनार को इसलिए निकालें क्योंकि वहां पर यार पत्ते बहुत ज्यादा गिरते हैं और वो अनार काफी ज्यादा खट्टा है, हमारे किसी काम का नहीं, तो इसलिए अनार को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। साथ में एक सरू का पौधा लगा हुआ है, साथ एक अनार, और इस जगह पर हम एक और सरू लगा देंगे तो एक तो मैचिंग हो जाएगी, हमारा अनार जाया नहीं होगा, और तीसरा ये जगह भी प्यारी लगेगी। अब्बास भाई ने मिट्टी निकालना शुरू कर दी है और अभी हो चुका है मुश्किल वाला काम शुरू, अभी मुझे इनकी हेल्प करनी है ताकि ये पौधा कहीं अकेले में इनसे ख़राब ना हो जाए। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा इस पर हमारी मेहनत लगने वाली है। देखें इतनी नीचे तक ये जड़ें गई हुई हैं तो जगह भी हमारे पास थोड़ी सी है, तो काफ़ी मुश्किल से ये पौधा निकलेगा। बस दुआ कीजिएगा कि यार ये किसी तरीके से लग जाए, इतने सालों से लगा हुआ है, सबसे पहला घर में, इस घर में यही वाला पौधा है, तो कहीं ख़राब ना हो जाए, फिर ऐसे ही काफ़ी हमें दुख होगा। तो आज के जो व्लॉग था यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपने दो में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।